अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राबिया एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, सर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं और शादियों का सीज़न आ रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ फैंसी ड्रेसेस शेयर करूँगी। ये तमाम ड्रेसेस केप स्टाइल में हैं और इनके स्टाइल्स और डिज़ाइंस एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। मैं वन बाय वन डिटेल से आपको दिखाऊँगी। हो सकता है कि इन ड्रेसेस से आपको कोई न्यू आइडिया मिल सके या आपको अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करने में हेल्प आउट हो सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को हिट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। ओके, ड्रेस नंबर वन मेरा फेवरेट है। मैंने इसे एक बुटीक पे देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो फिर मैंने इसको परचेज़ कर लिया। आप इसका ओवरलुक देखो, ये वन साइडेड केप है, मतलब सिर्फ एक साइड से इसका केप स्टाइल है और ये बिल्कुल नीचे तक इसकी जो है ना वो केप जाती है, टेल सी है इसकी। और इसकी जो राइट साइड है ना, ये इनफेक्ट स्लीवलेस थी यहाँ से, लेकिन फिर मैंने इसको बाजू लगवाया, बिल्कुल सिंपल बाजू है। इसका गला भी सिंपल है, सिर्फ इसके बॉर्डर पर ना मल्टी कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत ही नफीस एम्ब्रॉयडरी है ये, और इसके अंदर छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत है, सिर्फ दामन के ऊपर ये जो धागे का काम है सिर्फ दामन के ऊपर है और पूरी केप पर कहीं भी नहीं है। और ये जो लेफ़्ट साइड है ये इसकी केप स्टाइल में है, ये आप देखो, और ये बिल्कुल नीचे तक जाती है, एक बिल्कुल टेल सी बन जाती है। इसकी लेंथ आपके घुटनों से ऊपर की है, मतलब इसकी जो टेल है ना वो नीचे तक चले जाती है, बाकी पूरी केप जो है वो आपके घुटनों से ऊपर तक आ जाती है। और वैसे बजाते खुद ये केप जो है ना बिल्कुल सिंपल स्टाइल में, बड़ी नफीस सी है, सिंपल है, डिसेंट है, लेकिन इसके जो इनर शर्ट कह लें या स्लिप कह लें ना, ये फैंसी है, ये इसको एक फैंसी लुक देती है। अभी बिल्कुल सितारों से भरी हुई है और कॉपर कलर में है ये तो ये जो इनर इसकी जो स्लिप है ना, ये आम पठानों की दुकानों से या मार्केट से आपको इजीली मिल जाती है। आप कपड़ा लेके ख़ुद भी बनवा सकते हो इसको। और इसका आप स्टफ़ देखो इस केप का, तो बिल्कुल ये मतलब शिफोन है, शिफोन का कपड़ा है या जॉर्जेट है, जो भी है, इन दोनों में से बिल्कुल मलाई कपड़ा है। और इस केप की का जो कलर है ना, या तो पिंक है, पिंक तो खैर नहीं है, ना ही ये लाइट पर्पल कलर है, जो भी कलर है बहुत खूबसूरत इसका कलर है। और जब इसको हम वेयर करते हैं ना इस केप को, तो इसकी जो इनर शर्ट है ना वो इसकी नेक लाइन से बाहर आ रही होती है, ऐसे नज़र आती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मतलब ये टोटली समझें कि बहुत ही एक डिसेंट भी है और डिसेंट में आपको फैंसी लुक देती है, तो बहुत खूबसूरत स्टाइल है इस केप का। ये आप इसको अब देखो, इसका बिल्कुल ओवर व्यू है या इसकी ओवर लुक आप इसको देखो, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो यहाँ से। ओके, मैं आपको इसकी इनर शर्ट स्लिप या लाइनर जो भी कह लें इसको, मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरह से दिखती है और आप इसको किस तरह से बनवा सकते हो। अच्छा, इसमें ना मुख्तलिफ कलर होते हैं, ये कॉपर कलर है या ब्राउनिश कलर है जो भी है, लेकिन इसके अंदर आपको गोल्डन, रेड, पिंक, सिल्वर, हर तरह के कलर मिल जाते हैं। आपको जिस तरह का कलर चाहिए होगा आप उसको ले सकते हो। और ये जो है ना आपको चुभती नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपको चुभेगी तो उसकी वजह ये है कि आपने इसके नीचे जो है वो एक कपड़ा सा लगवा देना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसके नीचे बहुत ही सॉफ्ट सा एक कपड़ा लगा हुआ है ताकि ये आपको चुभे नहीं, आप इसे हर्ट ना हो, इरिटेट ना हो, क्योंकि आपने कोई महंगा भी ड्रेस पहना होता है, आपका पसंद का भी होता है ना, लेकिन अगर आप उसको पहनकर इरिटेट हो रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, तो उसको पहनने का मज़ा नहीं रहता और आप उसको दोबारा पहनते हुए सोचते हो। तो इसका आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरह से दिख रही है। अच्छा जी, अब ये जो केप है ना, आप इसको इस तरह सिंपली भी वेयर कर सकते हो। अगर आप किसी शादी में, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे तो आप इसको इस तरह सिंपली वेयर कर सकते हो। आप इसके नीचे एक सादा सी स्लिप जो है वो मतलब इसके कलर के साथ मैच करके आप लोन की या कॉटन की स्लिप जो है वो सिलवा सकते हो। फिर आप इसको जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही आपको एक स्टाइलिश भी और सिंपल भी लुक देती हैं। तो आप इसको जो है इस तरह सादे स्टाइल में भी आप इसको कैरी कर सकते हो। ओके, ड्रेस नंबर टू, मैंने ड्रेस नंबर वन से इंस्पायर्ड होके ख़ुद बनवाया था, मतलब इस केप का कपड़ा, इनर शर्ट का कपड़ा, इसके लेसेस, इसके बंचेस वगैरह मैंने खुद लिए थे और मैंने इसको खुद स्टिच करवाया, और ये मुझे सस्ती भी पड़ गई थी एज़ कम्पेयर टू बुटीक वाली केप। और आप इसकी ओवरलुक देखो, ये दोनों साइड की केप है, मतलब ये फुल केप ही है। और इसका जो गला है, ऊपर से मैंने बैंड रखवाया था, नीचे से ये वी गला और डीप रखवाया, डीप मैंने खुद रखवाया था ताकि जो इनर शर्ट है ना वो जब यहाँ से नज़र आती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये दो बंचेस मैंने लगवाए थे सिल्वर कलर के, ये आपको अलग मिल जाते हैं, मतलब ये मैंने अलग लेके इसके ऊपर लगवाए थे। फिर इसके केप का ये जो बाजू है, यहाँ पर मैंने लेस लगवाई थी ये छोटी सी,
ये बहुत ही प्यारी लेस लगती है। और इनर शर्ट जो है ना, ये मैंने इसके 3/4 बाजू रखवाए थे, मतलब ये इसी तरह से जब केप के अंदर से बाजू नज़र आते हैं ना इसके, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारी लुक दे रहे होते हैं। अच्छा, सिल्वर कलर की इनर शर्ट की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा मतलब चमचम वाला सूट लग रहा है। आप इसकी केप देखो ये, और इसके नीचे जो है ना मैंने सिल्वर कलर की ही लेस लगवा ली थी, और ये लेस भी बहुत खूबसूरत लगती है, मतलब ये घेर सा लगता है, केप भी लगती है, एक फ्रॉक टाइप की केप लगती है। और इसकी जो लेंथ है वो भी आपके घुटनों जितनी इसकी लेंथ है। इसके बाजू देखो, ये बहुत ही प्यारी चमचम सी केप लग रही है, क्योंकि इसकी इनर शर्ट सिल्वर कलर की है ना, तो ये बहुत ही प्यारी फैंसी लुक देती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये भी पहनी हुई। सिल्वर कलर की ज्वेलरी के साथ आप इसको जब इसकी मैचिंग करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब आप अगर इसकी इनर शर्ट देखें ना, तो ये सेम बुटीक वाली केप की इनर शर्ट जैसी ही है बिल्कुल, मतलब ये सेम वही कपड़ा है। और ये कपड़ा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ में मिल गया था। इसके बाजू मैंने 3/4 रखवाए हैं, और इसके नीचे जो है ना मैंने लॉन का सॉफ्ट सा कपड़ा लगवाया था, ताकि ये मुझे चुभे नहीं, और ये वाकई नहीं चुभती इसको लगवाने के बाद। इसकी लेंथ आपने अपनी केप की लेंथ से थोड़ी सी कम रखवानी है। आप इस केप को इस तरह सिंपल वे में कैजुअली भी वेयर कर सकते हो, मतलब ये आपके 2-in-1 केप है। अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है, शादियों पे जाना है, देन आप यही वाली फैंसी वाली इनर शर्ट इसके नीचे पहनो, अदरवाइज आप सिंपल कॉटन की या लॉन की इसके नीचे स्लिप बनवाओ वो आप पहनो, आपको बहुत ज़्यादा ये स्टाइलिश लुक देती है। सिंपल की सिंपल है, डिसेंट का डिसेंट लगता है बंदा इसको पहन कर। तो आप इस तरह से भी इसको कैरी कर सकते हो। इसका रॉयल ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसके ऊपर सिल्वर कलर बहुत ज्यादा उठ रहा है। ओके, देन मेरे पास है रेड कलर की केप, जो कि बहुत ही खूबसूरत खिलता हुआ अनारी रेड कलर है। ये फुल केप है, उसकी दोनों साइड्स पर टेल बनी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, इस केप को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि रेड कलर वैसे ही बड़ा लाउड होता है, शो होता है, अगर इसके ऊपर कुछ लगवाती है तो वो बहुत ही ओवर लगता। मैंने सिर्फ इसके बाजुओं पर जो है ना वो मोती लगवाए हैं, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, सिंपली कपड़ा ख़रीदा, ये जॉर्जेट का कपड़ा है जो कि मैंने ख़रीदा, और मैंने इसकी केप बनवाई। मैंने इसकी इनर शर्ट भी नहीं बनवाई, क्योंकि इस कलर के साथ ना मैं अपनी कॉपर कलर वाली इनर शर्ट जो आपको नज़र आ रही है, और सिल्वर कलर वाली इनर शर्ट मैच करके पहन लेती हूँ। दोनों ही बहुत प्यारी लगती हैं, दोनों इसके नीचे इक्वली सूट करती हैं, मैच करती हूँ, दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, ये जो केप है ना, इसकी टेल्स इसलिए बनती हैं क्योंकि इसके जो बाजू हैं वो बिल्कुल फुल है, मतलब हाथों तक इसके बाजू आते हैं। जो मैंने आपको ब्लू कलर वाली केप दिखाई थी ना, उसके बाजू कोहनियों तक आते हैं, इसलिए उसकी टेल्स नहीं बनती, वो थोड़ी राउंड शेप में लगती है। अच्छा, अब इस केप के नीचे ना मैंने सिल्वर कलर वाली इनर शर्ट लगाई है। आपको शायद इतना वाजह फ़र्क ना लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसको सामने से देखो, लाइव देखो, तो फिर इसका फ़र्क जो है वो साफ नज़र आता है। ये दोनों इसके नीचे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं दोनों को मुख्तलिफ वक्तों में मतलब पहन लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।